कौन होगा पंजाब की नई काबीना की टीम का खिलाड़ी, किसको मिलेगी कौन सी वजारत? आज वजीर आजम से वजीर आला पंजाब की मुलाकात में फैसला हो जाएगा। पहले मरहले में 15 वजरा, मियां महमूदुर रशीद को हाउसिंग, अलीम खान को बल्दियात, मियां असलम इकबाल को इतलात का कलमदान सौंपे जाने का इम्कान, डॉक्टर यास्मिन राशिद को वजीर सेहत, सप्तेन खान को जरा, जबकि समीउल्ला को चीफ वेब बनाया जा सकता है, हुसनैन बहादुर दरेशक को वजीर खजाना बनाए जाने का इम्कान, राजा बशारत, राजा यासर, डॉक्टर मुराद रास, अजमल चीमा को भी वजारत मिल सकती है। इजलास की कहानी लफ्ज ब लफ्ज मीडिया को किसने बताई? शेख रशीद रेलवे हेडक्वार्टर में इजलास के दौरान अफसरान पर बरस पड़े, अफसरान को मीडिया से राबता ना करने की हिदायत, जराए हर चीज मीडिया को बताना जरूरी नहीं, मीडिया को खुद डील करूंगा शेख रशीद। वजीर रेलवे आज लाहौर रेलवे स्टेशन का दौरा भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मेयर लाहौर मुतहरक हो गए, मॉल रोड के बड़े हिस्से से बैनर सफा दिए गए, लेकिन मुकम्मल सफाया ना किया जा सका। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के करीब ही सियासी जमातों के बैनर ताहाल मौजूद, बत्ती चौक, मोहनी रोड, भाटी चौक में भी सियासी जमातों के फ्लेक्सेस देखी जा सकती है। जमात इस्लामी पाकिस्तान का 77वां योम तासीस आज अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक, नायब अमीर फरीद अहमद प्राचा, अमीर लाहौर जिक्रुल्ला मुजाहिद और दीगर रहनुमाओं की फ्लैटिस होटल में मरकजी तकरीब में शिरकत। पाक भारत आपसी तनाजा, मुजाकरात कल होने का इम्कान, भारतीय वक्त लाहौर पहुंचेगा, मुजाकरात में सेंतास मुआहदे के तहत दोनों ममालिक के दरमियान पानी के मसाइल पर बात होगी। जिला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार से स्टेशन कमांडर पाकिस्तान नेवी लाहौर डॉक्टर साजिद महमूद शहजाद की मुलाकात, बाबी दिलचस्पी के अमूर और पाकिस्तान नेवी की पेशा वराना सरगर्मियों पर तबादला ख्याल, कौम को पाकिस्तान नेवी की बहादुरी और शुजात पर फख्र है, सरदार उस्मान बुजदार। बकरा ईद की आई, आरतियों ने सब्जियों की सप्लाई को ही ब्रेक लगा दी, चार रोज से ताजा सब्जियां मंडियों में न पहुंच सकी, दस्तयाब हैं, महंगी हैं और गैर मयारी भी, सब्ज मिर्च, अदरक, लहसुन, प्याज, भिंडी, शिमला मिर्च समेत हर सब्जी के दाम बेलगाम, सप्लाई शुरू हो रही है, सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। दुकानदार, ईद की छुट्टियों के बाद पहली इतवार, लाहौरियों के मनपसंद नाश्ते की दुकानों पर यलगार, किसी ने खाए नान चने, किसी ने हलवा पूरी, ईद पर गोश्त पर खूब हाथ साफ करने वालों ने दही और ठंडी लस्सी से बुझाई प्यास। शहर में पतंगबाजी का खूनी खेल जारी, थाना सब्जाजार पुलिस ने शहरी मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार कर लिया, मुलजिम के कब्जे से पतंग और डोर बरामद। और छुट्टी के रोज गर्मी और हब से परेशान शहरी, कर ले थोड़ा सा इंतजार, शहर में आज बारिश हो सकती है, महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी।